जिला मिर्जापुर तहसील चुनार की खास खबर। जनपद विकास खंड लालगंज से जहां ग्राम पंचायत नरैना कला में ही विकास कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को शिकायती पत्र साफ कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। और गौरतलब है कि विकास खंड लालगंज जनपद के दूरस्थ ग्राम पंचायतों में से एक है, जहां पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पूर्व में भी लगते रहते हैं। जहां एक ओर सरकार है और जीरो ट्रक रेश की बात करती है, वहीं लेकिन अधिकारी अपनी ढील ढाल रवैये से अपनी राख का राग अलाप रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ग्राम सभा में एक ही व्यक्ति को दोबारा आवास आवंटित कर दिया गया। साथ ही कई आवास अधूरी एवं अपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन की लूट गई इस ग्राम पंचायत में डूब गई है। और मनरेगा के तहत पक्की कार्य में भी एक ही व्यक्ति दो बार कैटल सेट का लाभ दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति बनकर फर्जी जॉब कार्ड बनाने का एवं मनरेगा के बिना काम के चहेतों को भरपूर लाभ दिया गया। आरोप यहां ही तक समाप्त नहीं हुआ। रिबोर के नाम पर लाखों रुपए का गोलमाल हुआ इस ग्राम पंचायत में हुआ, जहां पर पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि न जाने कितनी बार जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक शिकायती पत्र देकर जांच कराने की मांग की गई, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत अधिकारी चरितार्थ कर रहे हैं। ग्रामीणों में शिव प्रकाश तिवारी, कृष्ण बहादुर तेल, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण लामबद्ध होकर जांच कराने की मांग की है। ग्रामीण प्रशासन और जिलाधिकारी से उनके शिकायत पत्र को गंभीरता से लेकर सक्षम एवं न्यायप्रिय अधिकारी को जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। मिर्जापुर जनपद के विकास खंड लालगंज से जहां ग्राम पंचायत नारायण कला में विकास कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार आरोप ग्रामीणों ने लगाया। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खबर। सर, मेरा नाम मोहित कुमार तिवारी है। हम नरैना ग्राम पंचायत के बघई गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि विकास खंड लालगंज के अंतर्गत आता है। जी, ये बताएं कि ये काफ़ी दिनों से आप लोग कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी आपने दिखाया भी, तो उसमें क्या मामला है? आपके ग्राम सभा कितने घोटाले क्या बता रहे थे, उसको जरा विस्तार से बताएं। सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो हमने शुरुआत में CM पोर्टल से लेते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस, DPRO, CDO सबके यहाँ एप्लीकेशन दिए, BDO लालगंज जो DC मनरेगा भी हैं सबके यहाँ हमने नरेगा से संबंधित सबसे पहले शिकायत की थी। नरेगा में हमारे यहाँ 35 से 40 लोग इस तरीके के हैं जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और उनका SC में जॉब कार्ड बनाया गया है, और SC में जॉब कार्ड बनाने के साथ वो मौके पर काम करने कभी नहीं गए हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर रहे भी नहीं हैं, मुंबई, दिल्ली आदि स्थानों पर रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका यहाँ पे अटेंडेंस चल रही है और वो पूरी तरीके से और नरेगा का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। कुछ आप बता रहे थे कि इसमें कैटल सेट एक ही व्यक्ति का दो नामों से बना हुआ, क्या मामला है वो? जी सर, 2018-19 की बात है, उसमें अरुण के घर के पास कैटल सेट एक नाम दिया गया, जो फिर उसके बाद सत्र बदला गया 19-20 के नाम पे, फिर से सत्र बदल के उसी व्यक्ति के नाम पे अरुण सनाथ चंद्रिका प्रसाद के घर के पास कैटल सेट दिया गया। और रिबोर से संबंधित कुछ शिकायतें आपने किया है, क्या है रिबोर? रिबोर सर, हमारे यहाँ 5 रिबोर हैं, एक रिबोर जो 2018 में है और 4 रिबोर जो 2020 में है। ये रिबोर जो कि टोटली फर्जी तरीके से रिबोर किए गए हैं, कोई ऐसा रिबोर नहीं है जो कि सरकारी रिबोर के मापदंड पे किया गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने किन किन लोगों को, किन किन जिम्मेदार अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया है कार्रवाई के लिए, और क्या कार्रवाई हुई है इस पर? अभी तक हमारे यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने DM साहब, पहले श्री सुशील कुमार पटेल जी थे, उनसे हमने उनको कम से कम 20 बार एप्लीकेशन दिया है। प्रवीण सर जब से आए हैं तब से 3 बार दिया। DPRO साहब का कहना था कि आपका तरीका सही नहीं है, तो हमने सही तरीके से भी दिया है, तो उन्होंने टीम गठित की है। हमारे यहाँ BDO लालगंज और हलिया प्रभार भी है उनके पास, DC मनरेगा श्री मोहम्मद नफीस जी, और उसके साथ में उन्होंने उनको इस मामले की जानकारी तकरीबन 8 महीने से ही है। 8 महीने जानकारी के बावजूद तथ्य को छिपाया जा रहा है। जी सर, तो क्या मांग करते हैं शासन से? सर, हम यही चाह रहे हैं कि हमारी बातों को हम, मतलब नरैना कला के ग्रामवासियों की तरफ से ये सबसे सादर निवेदन है कि यहाँ पे मौके पर आकर जांच करें, ना कि हमारी बातों पे। वो मौके पर आएं और इस चीज़ को देखें, अगर गलत पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई और रिकवरी दोनों की हमारी मांग है। जी, क्या नाम है आपका? गीता। क्या मनरेगा में आपने काम किया है? हाँ, मजदूरी मिला है आपको? नहीं मिला था। किसी से कहा है आपने, प्रधान से, सेक्रेटरी से, किसी से कहा? लाइको से ही कहा, इससे किया हाँ कि जब हमारे तरफ से काम करेगी तो देगा, अब नहीं नहीं जाके पंचायत मित्र कहीं किस करे है काम। अच्छा,
आपको अभी तक मजदूरी नहीं मिला? कितने दिनों ने काम, कितने दिन आपने काम किया है उसमें? अरे नारायणा करे है काम ऐसा के 7 रोज हम करे है मेहरारू से मर्सिडीज तक, तो हमका पैसा 1 रुपया नहीं पाई है। कितने लोग हैं आपके साथ ऐसे जो जिनको मजदूरी नहीं मिली है? अरे हाँ तो बहुत साल तक हम गिनत नहीं आवता। महिलाएं होंगी? हाँ, महिलाएं हैं। अच्छा।